क्षेत्र स्थित ग्राम रज्जुपुर के सैकड़ों ग्रामवासी प्रधान पद के उम्मीदवार नजम हाशमी के पास आए। उन्होंने कहा कि आपने उच्च अधिकारियों से मिलकर कब्रिस्तान नंबर 706 में चोरी से पेड़ के कटान तो रुकवा दिए हैं, अवैध कब्जे पर निजी मकान के खिलाफ एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को उप जिलाधिकारी देववन को सौंपा गया, जिस पर नजम हाशमी ने ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि उपरोक्त विषय में जिलाधिकारी से जाकर एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्या रखेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई कराएगा। इस दौरान वसीम, शेर अली, छोटा हसीन, नौशाद सहित अनेकों ग्रामीण उपस्थित रहे। देवबंद से अफजाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये 140 बीघे का एक राजूपुर में कब्रिस्तान का रकबा है। राजूपुर के लोग यहाँ दफन होते हैं। एक अहमद हसन नामी एक आदमी है, उन्होंने यहाँ कब्जा कर रखा है। 5 बीघे में अपना कब्रिस्तान में मकान बना लिया। एक फर्जी ईदगाह की जगह में मदरसा खोल रखा है। 2 अपने रिश्तेदारों की मास्टरों की तनख्वाहें प्राप्त कर रहे सरकार से 15,000 रुपये। लड़के को मैनेजर बना रखा है उसका, इसको मदरसे का, और पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती नहीं उसमें। वो 2000 में खोला था, जब से जो है बस ऐसे ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और जो 5 बीघे का मकान है, ये कम से कम 2 करोड़ की कीमत का है, इसको कब्जा रखा है। हर साल लाखों करोड़ों रुपये के पेड़ काटते रहते हैं ये, और कुछ लोग जिम्मेदार लोगों को अपना मिल बांट के खाते रहते हैं। इसकी शिकायत नहीं की गई जी? हमने इसकी शिकायत की थी। हमने एक रास्ता है 25 लाख का, इन्होंने लगभग बेचा है वो, तो वो जब रास्ता बेचा तो जैसे भी उसमें चलाई, उसमें 20 कब्रें थी। उस रास्ते रास्ता तो नहीं था, बनाया है इन्होंने रास्ता, तो वहाँ 20 कब्रें थी, तो उस पर जैसे भी चलाई तो उसे बिल्कुल बिस्मार कर दी कब्रों को। लोग इस बात से नाराज़ हो गए, हमारे पास आया तो हमने उच्च अधिकारियों को बताया, जानकारी दी। SDM साहब ने वापस इंस्पेक्टर को बुलवाया और पटवारी और तहसीलदार को रिपोर्ट दी जांच के लिए। कब्जा कर रखा है पाकिस्तान में, ये ना हो पाए। और ये ईदगाह की जगह जो मदरसा खोल रखा है फर्जी तरीके से, ये चाहता है। मामला है जी, इन्होंने अहमद हसन ने और सिकंदर ने कब्जा कर रखा है, और जो गांव के जिम्मेदार है वो उनके साथ में लगे हुए हैं। किस जगह कब्जा कर रखा है? कब्रिस्तान में, वहाँ इस पे ईदगाह के सामने जो है कब्रिस्तान, और ये जो जो गांव के जिम्मेदार हैं वे साथ लगे हुए हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि यह मदरसा यहाँ से निकल जाए, और इन मदरसे की जहाँ भी कब्जा रखी है, तो हम ये चाहते हैं यहाँ से बिल्कुल ही सफाया हो जाए।